मैं तो फौज में भर्ती होना चाहता था, मैं तो चाय बेचता था, डॉक्टरों में जावे तो मैं तो डॉक्टर बनना चाह रहा था। अरे बहरूपिए एक चीज तो बन जा, क्या बनना चाहे? कहीं मुझे तो गलती से एक चीज लगे, कहीं कहीं दिल्ली के उस बाजार में ना पहुंच जाए और कह दे मैं तो यही बनना चाहता। कहूंगा पापा की होता, हमारा बाप एक था, उसकी माँ का कसम आपने 5 साल पहले किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। नहीं हुआ क्या? दुगना हो गया बताइए, नहीं हुआ? 1888 का माल 800 रुपए में बिक रहा हमारा तो। हाँ एक चीज दुगनी होगी, हमारी गैस 3 गुना होगी, डीजल दुगना हो गया, पेट्रोल दुगना हो गया, सारे कृषि के यंत्र महंगे हो गए, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया। कौन सा देश है, कहाँ है हिंदू? दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान दिखा दे, वरना उसके मुंह पे जूता मार। जो झंडे का अपमान ना हो, डंडा टूट ना जाए, टूट के झंडा अगर जमीन पे गिर गया तो झंडे का अपमान हो जाएगा, इसलिए झंडे में डंडा मजबूत रखना। आजादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण देकर मना लिया। हर घर तिरंगा अभियान भी खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों का आंदोलन जो है साहब, वो बीते 2 सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए जंतर मंतर तस्वीर है, यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आए हुए हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज इनका सांकेतिक आंदोलन है। किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं। हरिंदर ताऊ, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है फिर? अब भैया ठीक होता तो हम यहाँ क्यों आते? दुखी है किसान, देश का किसान दुखी है। कहाँ दुखी है? मोदी जी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बातें अच्छी कर सकते हैं? मोदी जी से ये पूछ के आओ कि आपने 5 साल पहले किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। नहीं हुआ क्या दुगना? हो गया बताइए, नहीं हुआ? 1888 का माल 800 रुपए में बिक रहा हमारा तो धान। हाँ एक चीज दुगनी होगी, हमारी गैस 3 गुना होगी, डीजल दुगना हो गया, पेट्रोल दुगना हो गया, सारे कृषि के यंत्र महंगे हो गए, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, जितनी दवाइयाँ थी वो सब महंगी हो गई। शेर है तो खर्च महंगा पड़ेगा ही साहब, शेर पाल रखा है देश ने। देखिए हमने तो शेर पाला था, पर हमें नहीं पता था कि जिसे हम शेर समझ रहे हैं वो तो शेर की खाल में गिद्दड़ है। क्या बात करते हो आप? आपने कभी शेर को रोते हुए देखा है? क्यों, दर्द होगा तो हर कोई रोता है, दर्द होने पर तो कभी नहीं रोता। हमने गिद्दड़ को रोते हुए देखा है और 9 बार लाल किले से देखा। आपकी बार थोड़ी ना रोया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहाँ रोए बताइए? अरे लोग, अरे भावुक हो गया था। अरे वो तो हो ही जाते हैं, मोदी जी हैं। शेर कभी भावुक नहीं होता, शेर तो हमेशा दहाड़ता है और जो रोता है वो गिद्दड़ होता है। अच्छा, मोदी जी आय दुगनी कर दिए हैं, लोगों को जो है तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। किसकी आय दुगनी करी? प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल रहा है। मिला मोदी का वादा। हाँ 5 साल में हर घर, हर व्यक्ति को छत होगी, छत में घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा, बिजली कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। अरे फेकू राम, जब उत्तर प्रदेश में जल की स्कीम ही नहीं आई तो नल में जल कहाँ से आएगा? वो तो 2023 में स्कीम आएगी। तो ये देश पढ़े लिखा है। समझ नहीं आता मुझे एक बात, आप लोग कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, कभी आरएलडी के बाहर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली घूमते रहते हैं। सरकार नहीं बनी, बीजेपी सरकार आ गई, आप लोगों का आंदोलन फिर शुरू हो गया। देखिए क्या चाहते हैं आप? लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वो ट्रंप का कार्यालय है, मैं नहीं जा सकता। तो कहिए ना आप लोग नेता, मैं तो बीजेपी के कार्यालय के आगे भी पैदल ही निकलूं। बोल दीजिए आप लोग नेतागिरी कर रहे हो कैसे? हिंदुस्तान के अंदर कोई माइकी लाल पार्टी बताए तो सही था, उसका सदस्य है? पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य तो नहीं पहुंच जाते हैं। चाहे तो पीने पहुंच जाते, चाहे तो आप आरएलडी दफ्तर में अंदर, आरएलडी दफ्तर में, चाहे तो आप बुलाओगे मैं आपके भी आ जाऊंगा पीने। किसने बुलाया था आरएलडी में? किसने बुलाया? जा रहा था, थक गया, बैठ गया, कुर्सी पड़ी थी। नहीं लग रहा है हरिंदर ताऊ पहले कुछ और थे, कुछ और हो गए ताऊ? ये बेतड़ी का लोटा थोड़ा ही है जो लुढ़कता फिरे। निशाना किस पर है? मोदी पर। क्यों?
जो फेकू राम झूठ बोलता है, कभी कहता है मैं तो फौज में भर्ती होना चाहता था, मैं तो चाय बेचता था, डॉक्टरों में जावे तो मैं तो डॉक्टर बनना चाह रहा था। अरे बहरूपिए एक चीज तो बन जा, क्या बनना चाहे? कहीं मुझे तो गलती से एक चीज लगे, कहीं कहीं दिल्ली के उस बाजार में ना पहुंच जाए और कह दे मैं तो यही बनना चाहता था। क्या क्या दिल्ली बाजार में क्या बनना चाह रहा था, नाम बताइए। जीबी रोड पे क्या होता बताइए। अब बताए तो तुम्हें पता क्यों रहे हैं? और देश की जनता जानती है, डरिए मत आप। देश की जनता जानती है, जनता जानना चाहती है, जानती है। नहीं, दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता नहीं जानती। देश की जनता जानती है क्या होता है, जीबी रोड है क्या होता वहाँ, मुझे क्या पता क्या होता। क्यों रहे हैं आप? मैंने सुना है जीबी रोड पे क्या कौन डर है, कुछ नहीं हो सकता। मैं डरता नहीं। तुम नाम भी बताइए, क्या बनना चाहते हैं मोदी जी? जीबी रोड वाला। अरे भाई साहब क्या जीबी रोड वाला? भाई कोई पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनता है, एमबीबीएस से डॉक्टर बनता है, तो मोदी जी वहाँ क्या बनना चाह रहे हैं? जीबी रोड वाला। वहाँ पर क्या होता? अयो तो तू देख का एक काम करिए, आज यहाँ से बात खत्म करके जीबी रोड पे जाके दिखा दिए। क्या आप डरपोक है? बोलिए कौन कह रहा है डरपोक है, बताइए क्या बनना। अरे यार जीबी रोड में गया नहीं तो मैं बता कैसे दूं? तो कैसे आपने आरोप लगा? मैंने तो नाम लिया है, जीबी रोड वाला बनना चाहता है। प्रधानमंत्री बन गए, हाँ। देश के शेर हैं, हैं? विदेश जाते विदेशों में शेर होंगे तुम्हारे, हमारे तो गिद्धड़ है। शेर हमने कभी रोता नहीं देखा और गिद्धड़ को रोज रात को रोते हुए देखते हैं। अंजनम कश्यप कहते हैं देश के पापा है, अंजनम कश्यप कहते हैं देश के पापा है। पापा उसकी माँ का खसम होगा, हमारा तो है नहीं। सीधा कहूंगा पापा की होता, हमारा हमारा बाप एक था, उसकी माँ का खसम छह होंगे, उसके बाप हजार होंगे, हमारा नहीं। चलिए आप इस पर आप पॉइंट पर आते हैं, जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या प्लान आप लोगों का है, क्या आप लोग चाह रहे हैं? सरकार को बार बार क्यों झुकाना चाह रहे हैं? सरकार तो एक बार हम नहीं झुकाना चाहते, हमें कोई कमी नहीं, हम नहीं झुकाना चाहते ना, हमारी सरकार से कोई ऐसी नाराजगी कि हम उसे झुकाना चाहते हैं। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जो तूने किसानों से वादा किया उस वादे को पूरा कर। क्या क्या वादा? MSP पे गारंटी का कानून, किसानों के हत्यारे जेल के अंदर तैनी, बिजली अमेंडमेंट बिल वापस, लिखित में है कि जब बिजली अमेंडमेंट बिल लाएगी पहले किसानों से बात करेगी, ये मेरे पास लिखित में है, हर किसान के पास लिखित में है। नई किसान से बात करी संसद में ले आया। सरकार तमाम मजबूरियां होती, तमाम सरकार तमाम मजबूरियां होती। देखिए हमने मजबूर आदमी नहीं चुना था, अगर सरकार ही मजबूर होगी तो देश का किसान क्या करेगा, देश का मजदूर क्या करेगा, युवा क्या करेगा? कब तक रहेगा आप लोग हैं? नहीं ये तो एक दिन का है। एक दिन में क्या होगा, कुछ थोड़ी ना होगा, एक दिन कुछ नहीं होने वाला। सरकार को बताने आए हैं। अरे क्या बताने आए हो, पुलिस तो आने नहीं दे रही आप लोगों को। क्यों यहाँ बैठे नहीं, कहाँ बैठे हम? इतनी मशक्कत की है पता है आपको? अच्छा इसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, तो क्या हो गया, रोक लेते? क्या रोक तो लिया था, बैठाया था थाने 4 घंटे, और फिर और रोक लेते, जेल भेज देते? जेल क्यों ना भेजा? इसे कहते हैं इस किसान का डर, ये जो झंडे में डंडा ना, ये बड़ा मजबूत है, ध्यान रखिए किसान का है। ये तो गुंडा ही है फिर। क्यों झंडे में डंडा मजबूत लगाओगे तो गुंडाई हो जाएगी है? अरे झंडे का अपमान ना हो, डंडा टूट ना जाए, टूट के झंडा अगर जमीन पे गिर गया तो झंडे का अपमान हो जाएगा, इसलिए झंडे में डंडा मजबूत रखना बखत पे काम आता है। तिरंगा नहीं लेकर आए हैं, कहीं तिरंगा नहीं दिख रहा है, देश की आन बान और शान है तिरंगा। देखिए हम चाटुकार नहीं हैं, तिरंगा हमारे सबके यहाँ है, यहाँ गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा नहीं हो जाने का, रहेगा गधा ही। 2 दिन में देशभक्ति नहीं जागती किसी की, हमारे तो देशभक्ति यहाँ है, जो हमारे किसान के बेटे मजदूर के बेटे ही तिरंगे में लिपट के आते हैं, किसी नेता का बेटा या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा तिरंगे में लिपट कर नहीं आता है, तो देशभक्ति तो यहाँ है, यहाँ से चलती है। कुल मिलाकर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग एक दिन के लिए जगाने के लिए आए, मोदी जी आग जाइए, नहीं तो आप लोग आंदोलन करोगे, यही कह रहे हो आप? हम ये कहने आए होश में आ जा, किसानों से किया वादा पूरा कर ले, वरना आपके दिल्ली संसद
ट्रैक्टरों के बम्पर मजबूत, एरे गेरे बैरिकेडिंग, जेल है उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सारी तमाम एजेंसियां हैं। तो क्या हो गया, तमाम पुलिस फोर्स है, गिरफ्तार कर जेल भेज दे की क्या कितनी करोगे? कितनी फोर्स है, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 135 करोड़, 70% किसान कालो मारेंगे। अरे यार इनको छोड़ तू, ये तो इसमें तो हमारे बालक है, हमने अंग्रेजों को नहीं बख्शा मार। 1,32,000 की शहादत दी थी अंग्रेजों के, उसमें देश आजाद करा के छोड़ा था, और ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जितनी शहादत चाहिए सरकार को, खुली छूट है, सब शहादत देने को तैयार है, लेकिन देश की दूसरी आजादी दिला करके रहेंगे। सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आजादी का अमृत नहीं, अमृत महोत्सव है। अगर अमृत महोत्सव होता तो एक बच्चा 8 साल का पानी पीने पर उसकी हत्या नहीं होती, अमृत महोत्सव में नहीं हो सकती। एक बाप, लेकिन वहां तो कांग्रेस सरकार है ना, है? वहां तो कांग्रेस सरकार चले गए फिर राजनीतिक पार्टियों पे देश का। आप लोग तो भी झुकाना चाहते हैं। सुन ले, सुन सुन, एक मिनट सुन, बर्खास्त कर दो, वो तो पावर केंद्र में है, बर्खास्त करो उसे, मुख्यमंत्री को जो जातिवाद फैलाता है। दूसरी चीज, एक बाप अपने बेटे की लाश पोस्टमार्टम हाउस से कंधे पर लेकर के 20 किलोमीटर पैदल जाता है, ये अमृत काल है। नहीं पा रहे हो, डर रहे हो कुछ लगा। क्या डर रहे हो? फिर डरने की बात कर रहा, ये रोष है, ये दर्द है उस बाप का। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। लेकिन योगी सरकार तो मेहनत कर रही है ना, मोदी सरकार मेहनत कर रही है, एम्बुलेंस चला दिया, तमाम सुविधाएं दी जा रही है। एम्बुलेंस टायर भ्रष्ट होकर वहां खड़ी है, अगर एम्बुलेंस होती तो 20 किलोमीटर बाप अपने बेटे की लाश को लेकर के कंधे पे नहीं जाता। आखिरी सवाल है, कानून व्यवस्था होती। चलिए चलिए, अरे सुन, पता आज मोदी नहीं, मुझे पता है, मैं नहीं, आज अभी जाते हो सपा के कार्यालय में चाय पीने के लिए, आरएलडी कार्यालय में चाय पीने के लिए, मैंने खुद देखा है तुझे। यही तो पत्रकारों की कमी है, सवाल सत्ता से करना चाहिए और ये विपक्ष से करते हैं। आप अपोजिशन थोड़ी ना हो, अपोजिशन ही तो है, किसान नेता हूं। अरे यार सुन पूरी बात, ये किसान कौम हमेशा सरकार के विपक्ष में ही तो रही, जिस दिन इसकी सरकार बन जाएगी उस दिन तो सत्ता पलट देगी। चैनल वाले कहते हैं आप लोग खालिस्तानी हो, है? खालिस्तान से आए हो, आतंकवादी। ये खालिस्तान कौन सा देश है, कहाँ है हिंदू दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान दिखा दे, वरना उसके मुंह पे जूता मार जो कह रहा। टीवी मीडिया कहती है, हर जनता उसे भी दौड़ाती है, कहाँ दौड़ा, उसे भड़वा मीडिया भी तो जनता ही कहती है। किसे बताइए, नाम बताइए उसका। देख बिहार में वो अंजना ओम मोदी कैसी खड़ी खड़ी लखा रही थी, है? कौन कह रहा, कैसे हो जाए कि कश्यप मोदी को अपना बाप बतावे, बाप का नाम लगा कर, ये आप ही तो बता रहे थे अभी 2 मिनट पहले। प्रोग्राम चलाती है देश के पापा, तुम ही तो कह रहे थे वो कहती है मोदी देश का बाप है, तो फिर उसका भी बाप है, तो अंजना ओम मोदी हो गया उसका नाम। दूसरी चीज, एक वो थूकता भारत है, बंबई नहीं जा पाया था जब पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, ऐसे भग रहा था ऐसे। सरकार तो बदल दिया ना उसने, क्या अजी उनके बाप की हिम्मत है, सरकार बदल दिया, पैसे से खरीदा गया। ये देखिए किसान नेता हरिंदर ताऊ थे जो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने साफ सरकार को संदेश दे दिया, चेतावनी दे दी, उन लोगों जो मांगे हैं उन लोगों को की मांगों को सरकार मान ले, क्योंकि उन लोगों ने 1 साल से ज़्यादा का आंदोलन चलाया था, और जिन मांगों को लेकर के वे लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, अगर उन लोगों की मांगों को सरकार नहीं मानती तो आंदोलन जैसे पिछली बार चला था उसी तरीके से इस बार पूरे देश में आंदोलन होगा, दिल्ली को रोकने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा, 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या सरकार इन किसानों की मांगों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी, क्योंकि 2022 के चुनाव के पहले गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने कहा, मोदी जी मीडिया के सामने आए सुबह सुबह और उन्होंने कहा कि तपस्या में कमी रह गई थी, हम लोग इसी की वजह से तीनों जो कानून है उसको वापस लेने का काम कर रहे हैं, और ये लोग
कई मांगों को लेकर के एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। और ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं सरकार अगर इन लोगों की मांगों को नहीं मानती, ये लोग सड़क पर हैं ही संसद तक कूच करेंगे और इनकी आवाज़ यहीं से सीधा संसद तक पहुँचेगी। इन लोगों का आंदोलन इतना तेज होगा। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।